सभी पशुपालक भाइयों को राम राम, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे राघव गिरबुल के बारे में। सबसे पहले तो आप राघव की काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास में, वो एक के बाद एक देख सकते हैं। हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह आप स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख ही सकते हैं। साथ ही में ब्रीड कैरेक्टर्स के बारे में भी मुझे आपको यहाँ पर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। मुँह से लंबे इसके कान है और चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छे कान हैं। सिर आप अच्छे से देख सकते हैं, पूरा मटके के जैसा गोल सिर है। और हाँ, जो सींग है वो कुंडे यानी कि गोलाकार सींग है। वैसे गुजराती में गोल सींगों को हम लोग कुंडे बोलते हैं, तो वैसे सींग है। और बाकी आप बुल को अच्छे से देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें बुल की डिटेल्स के बारे में, तो बुल जो है वो पुरुषार्थ गौशाला से आया है। पुरुषार्थ गौशाला जो कि हड़वद में है, और हड़वद में ही जो उनके ओनर हैं उनका नाम है बीके आहिर, आप सभी लोग जानते ही हैं। और उन्हीं का जो बुल है पूनम, उसी बुल का ये बेटा है। पूनम की भी काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स है मेरे पास में, आप पूनम को भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके भी कान आप देख लीजिए, राघव के जैसे ही हैं, चौड़े और काफ़ी लंबे कान हैं। सिर इसका भी आप देख सकते हैं, काफ़ी गोल है मटके जैसा ही। और जो राघव की माँ है उसका नाम है रूपा, और रूपा की भी जो फोटोग्राफ है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो खास करके आप रूपा का अडर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा अडर है। और रूपा जो है उसके भी आप कानों को देख सकते हैं, गोल और लंबे कान है इसके भी, और चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो रूपा की जो लेंथ है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है रूपा। रूपा की वैसे दो फोटोग्राफ्स है मेरे पास में, दोनों ही आप देख सकते हैं। रूपा और पूनम का बेटा है राघव। और हाँ, राघव के जो सीमेन है वो सेल के लिए अवेलेबल है, उसके मैं नंबर आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप स्किप कर दोगे तो आप शायद से जो है वो नंबर मिस कर दोगे, इसीलिए स्किप मत करना। और अब हम जो है वो बात करेंगे राघव के रिजल्ट्स के बारे में। काफ़ी सारे रिजल्ट्स है वैसे तो, लेकिन आप देखोगे ज़्यादातर रिजल्ट जो है वो काबरे रंग में ही है, जैसा कि राघव का रंग है वाइट काबरा। और वाइट काबरा मैं इसीलिए बोलूँगा क्योंकि काबरे रंग का मतलब होता है कि लाल रंग के ऊपर सफ़ेद धब्बे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो राघव का रंग है उसमें आप सफ़ेद कलर के ऊपर लाल धब्बे देखोगे, इसलिए मैं उसे वाइट काबरा बोल रहा हूँ। और हाँ, ये जो रिजल्ट्स के फोटोग्राफ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो भी बिल्कुल राघव के जैसे ही आ रहे हैं। मैंने जो है वो जितने भी रिजल्ट देखे उनमें से सिर्फ एक या दो ही हैं जो कि लाल रंग के हैं काबरे, बाकी सारे ही जो बच्चे हैं उनमें भी आपको वाइट काबरा रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। और हाँ, सभी रिजल्ट में आप कानों को देख सकते हैं, काफ़ी लंबे और चौड़े कान हैं। खास तो राघव का जो मेन पॉइंट या फिर प्लस पॉइंट मैं कहूँगा तो वही है कि अगर आपके पास कोई ऐसी गिर गाय है जिसमें कानों की लंबाई और चौड़ाई काफ़ी छोटी है, तो उनमें आप जो है वो राघव को यूज़ कर सकते हैं। पहला तो बेनिफिट ये होगा कि उसके जो ब्रीड कैरेक्टर्स है कान को लेकर, वो काफ़ी अच्छे आ जाएंगे आपको आने वाली जनरेशन में। और दूसरा कि अगर आपकी वो गाय लाल है तो वो आपकी गाय में काबरा रिजल्ट भी देगा। तो ये दो उसके प्लस पॉइंट है राघव बुल के। तो ये थी सारी डिटेल्स और रिजल्ट राघव बुल के बारे में, जो कि अमृतवेल में है। आप सभी को कैसा लगा राघव नदी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। साथ ही मैं ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही जो वीडियोस है वो चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। साथ में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।